मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए से बढ़ती नजदीकियों की अटकलों को किया खारिज, कहा भाजपा के लोग कर रहे हैं दुष्प्रचार। उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को उखाड़ फेंकेगी। राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा राजद के साथ दोस्ती कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद के पैर पर मारी है कुल्हाड़ी। उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कहा युवा उद्यमी और बैंक मिलकर बिहार को शीर्ष राज्य के श्रेणी में ला सकते हैं। प्रदेश के 8,000 से अधिक डाकघरों में अक्टूबर से शुरू होगा आधार केंद्र, 5 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का बनेगा आधार कार्ड। प्रदेश में गाड़ियों का स्पीड मीटर खराब रहने पर लगेगा ₹2,000 का जुर्माना, तेज गाड़ी चलाने पर कटा जा रहा है ऑनलाइन चालान। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में जन संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन, लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने का किया गया प्रयास। राजधानी पटना में डेंगू के 16 नए मामले आए सामने, प्रदेश भर में 186 नए मरीजों की हुई पुष्टि। सीतामढ़ी जिले में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत लोगों को स्वच्छता के प्रति किया जा रहा है जागरूक। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 19 रनों से हराकर एशिया खेलों में जीता स्वर्ण पदक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला क्रिकेट टीम को दी बधाई।